विद्या दीदी 1 किलो चीनी देना अभी। लो। अरे हेमा, अरे भारती दीदी आज सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ? अच्छे काम से ही जा रही हूँ दीदी, वो जरूरत के टाइम पे कुछ समय पहले एक लोन लिया था तो अब हमारी खेती के पैसे आ गए तो सोचा कि बचे हुए लोन का भुगतान कर दे। वो अपनी सेंटर मीटिंग में अपने संगम मैनेजर भैया उन्हीं को पैसे देने जा रही थी। लोन का समय पर भुगतान करना तो बहुत अच्छी बात है हेमा, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखो। क्या दीदी? वो ये कि लोन की समाप्ति के लिए जब भी लोन के बचे हुए पैसों का पूरा और एक मुश्त भुगतान करना हो ना, तो इधर उधर नहीं, सीधा भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड की शाखा में ही जाना। वहाँ तुम्हारी सहायता के लिए BFIL के कर्मचारी भी होंगे जो तुम्हें जमा की हुई राशि की रसीद दे देंगे। और हाँ, ये रसीद इलेक्ट्रॉनिक रूप में तुम्हें तुम्हारे मोबाइल फोन पे भी मिल जाएगी। ऐसा करने से पूरी गारंटी मिलती है कि आपकी नकद राशि आपके लोन खाते में जमा हो चुकी है और लोन खाता बंद हो गया है। धन्यवाद भारती दीदी, फिर तो मैं सीधा BFIL की शाखा में जाऊंगी और बची हुई किश्तों का एक साथ भुगतान करूंगी। एक हाथ से पैसे दूंगी, दूसरे हाथ से रसीद लूंगी। पर दीदी वो जो सेंटर मीटिंग में लोन का साप्ताहिक किश्त देते हैं उसका क्या? अरे वहाँ भी जमा की जाने वाली साप्ताहिक किश्त की राशि को अपने पासबुक में अपडेट कराना और सेंटर मीटिंग के रजिस्टर में लिखवाना मत भूलना। आखिर पैसे हमारे हैं तो जिम्मेदारी भी तो हमारी है। बिल्कुल सही कहा दीदी, आपने जैसा कहा है वैसा ही करूंगी। अरे बिमला, तुझे जो पैसे दिए थे मैंने आज जमा कराने को, उसकी पक्की रसीद लेना ना भूलना। हाँ। अच्छा है दीदी। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड आपसे अनुरोध करता है कि जब भी अपने पुराने किसी लोन के पैसों का एक मुश्त भुगतान करके लोन अकाउंट बंद करना हो तो आप BFIL के ब्रांच में ही जाएं। ब्रांच में पैसा जमा करते समय अपनी रसीद हाथों हाथ अवश्य लें। इतना ही नहीं, अपनी साप्ताहिक किश्त समय पर अपने सेंटर मीटिंग में देते रहें और वहाँ भी इस लेन देन को अपने पासबुक और सेंटर मीटिंग रजिस्टर में लिखवाना ना भूलें। अपने लोन खाते में जुड़ी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर आए मैसेज से भी मिलती रहती है। अगर किसी तरह से आपके मोबाइल पर कोई मैसेज नहीं आए तो तुरंत अपने लोन खाते से जुड़े मोबाइल नंबर की जांच करवा लें। जरूरत पड़े तो उसे नए मोबाइल से अपडेट भी कर सकते हैं ताकि आपको आपके लोन खाते से हुए लेन देन की जानकारी मैसेज के जरिए तुरंत मिल जाए। याद रखिए, पैसे आपके तो जिम्मेदारी भी आपकी। जानकारी में है समझदारी। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।